we had initially developed in BMD phase 1 capability to destroy incoming missiles of 2000 kilometer class. ये जो कल हम लोगों ने टेस्ट किया है, that has now helped us in to intercept any missile which is of the 5000 kilometer class. तो दोस्तों, रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि डीआरडीओ की तरफ से बीएमडी सिस्टम के फेज 2 की पहली मिसाइल यानी AD-1 का सफल परीक्षण किया गया। ओडिशा के तट से इस मिसाइल को दागा गया। उसके बाद बताया गया था डीआरडीओ की तरफ से कि इसका फ्लाइट टेस्ट पूरी तरह से सफल रहा। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस बार किसी भी तरह के टारगेट के किलिंग के लिए इसे फायर नहीं किया गया था, केवल इसका मेडन फ्लाइट टेस्ट करना था, जो कि पूरी तरह से सफल रहा। आने वाले समय में इससे टारगेट्स को डिस्ट्रॉय भी करवाया जाएगा। अब इसको लेकर कई सारी चीजें थी जो कि आप सभी लोग जानना चाहते थे, लेकिन इन सबको लेकर जानकारी विस्तृत में दी नहीं गई थी। अभी भी मैं आपको बता दूं कि AD-1 जो टेस्ट की गई है मिसाइल, इसकी रेंज कितनी होगी, इसके बारे में अभी बिल्कुल भी खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन इसके अलावा डीआरडीओ के जो मौजूदा चीफ हैं समीर कामत साहब, उन्होंने कई सारी जानकारियां दी है एक इंटरव्यू के दौरान इसी सिस्टम को लेकर। स्पेशली इसी टेस्ट को लेकर उनसे कई सारे क्वेश्चन किए गए, जिसको लेकर उन्होंने डिटेल में जानकारी दी, और वही मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहिए, आपकी उम्मीद से ज्यादा खतरनाक निकलेगी ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। बस आप इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि BMD के फेज 2 की पहली मिसाइल सफलतापूर्वक टेस्ट की गई, जिसे बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लंबी दूरी से आने वाली मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसे ट्रैक करने के लिए स्पेशली डिज़ाइन और डेवलप किया गया है। अगर बात की जाए फेज 1 की, जिसमें पृथ्वी डिफेंस सिस्टम आता है, तो वहाँ पर दोस्तों हमारे साथ कई सारी लिमिटेशन थी। जैसे कि उस मिसाइल डिफेंस सिस्टम से आप केवल उन्हीं बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोक सकते हैं जो कि 2000 किलोमीटर दूर से दागी गई है। लेकिन चूंकि हमें रेंज ज्यादा चाहिए थी, इस वजह से इसका फेज 2 निर्मित किया गया, जिसमें और ज्यादा लंबी दूरी से मार की गई मिसाइलों को हम लोग बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकेंगे। अभी जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये जो AD-1 मिसाइल लॉन्च की गई थी, जिसका टेस्ट किया गया था, उसकी क्षमता होगी 3000 किलोमीटर के आसपास या 3500 किलोमीटर के आसपास, यानी 3500 किलोमीटर दूर से दागी गई सभी बैलिस्टिक मिसाइल्स को ये इंटरसेप्ट करने में सक्षम रहेगी। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है वो हमारी उम्मीद से बिल्कुल परे है, और बताया जा रहा है कि अग्नि 5 जैसी रेंज वाली, यानी 5000 किलोमीटर रेंज वाली कोई मिसाइल 5000 किलोमीटर दूरी से दागी जाती है, तो उसे भी ये बड़ी आसानी से इंटरसेप्ट कर पाएगी, और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इसी के साथ साथ जो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ये इडो एटमॉस्फेरिक किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में सक्षम होगी, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर इंटर हो जाने के बाद ये मार गिराने की क्षमता रखेगी। लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो मिसाइल टेस्ट की गई है AD-1, ये इडो एटमॉस्फेरिक और एक्सो एटमॉस्फेरिक दोनों तरह की मिसाइलों को दोनों ही कंडीशंस में मार गिराने में सक्षम होगी, यानी ये हमारे वायुमंडल में इंटर भी नहीं करेगी, उससे पहले ही ये AD-1 उसे इंटरसेप्ट करने में सक्षम होगी। कहने का मतलब इसका एल्टीट्यूड बड़ा जबरदस्त होगा। अब यहाँ पर आपके 3 प्रमुख क्वेश्चन, और वो 3 प्रमुख क्वेश्चन जो आप पूछ रहे थे उसमें एक था कि क्या ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकती है, क्या ये एयरक्राफ्ट को भी मार गिरा सकती है, और क्या इससे MIRV कैपेबल किसी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जा सकता है। और इस बात का खुलासा काफी समय पहले ही हो गया था कि कई सारे मैक्सिमम केसेस में ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर पाएगी, यानी 100% इसका ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं रहेगा हाइपरसोनिक के खिलाफ, लेकिन फिर भी ज़्यादातर मामलों में ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स को मारकर गिरा पाएगी। अगर बात की जाए किसी फाइटर जेट की, तो डेफिनेटली उसे हर हाल में मार गिराया जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो फाइटर जेट को मार गिराने की कंडीशन होगी वो इडो एटमॉस्फेरिक होगी, और इडो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ये अपना निशाना लगा सकती है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी अगर बात की जाए MIRV की, तो हम सभी जानते हैं कि यार MIRV मतलब एकता में अनेकता वाली बात हो गई, यानी एक ही मिसाइल अपने साथ कई सारे अलग अलग वॉरेड लेकर आती है, जो कि जब एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो अलग अलग कई भागों में वो बढ़ जाती है। उसके कई अलग अलग वॉरहेड, जिसमें 15-15 भी हो सकते हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में निकलते हैं और सेट किए गए टारगेट के ऊपर जाकर गिर जाते हैं। तो कहने का मतलब, अगर एक सिंगल मिसाइल होती तो आप उसे मारकर गिरा सकते हैं, लेकिन एक ही मिसाइल जब इतने सारे पार्ट में अलग अलग विभाजित होकर फिर आपकी तरफ बढ़ती है, तो आप उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं और उसे मार गिरा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यही कारण है कि भारत भी इस तरह की मिसाइलों को डेवलप कर रहा है, जो कि MIRV कैपेबल हो। लेकिन मान लीजिए कि ये मिसाइल जब एटमॉस्फेयर में इंटर होगी, उससे पहले ही, यानी एक्सो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में हम इसे मार गिराते हैं, जहां पर इसके जो मल्टीपल वॉरेड है वो रिलीज ही नहीं होते, उससे पहले ही अगर हम लोग इसे मार गिराते हैं, तो डेफिनेटली हमने उस मिसाइल को भी इंटरसेप्ट कर दिया जो कि MIRV कैपेबल हुआ। तो एग्जैक्टली यहाँ पर ऐसा ही होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये एक्सो एटमॉस्फेरिक जाकर भी
मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकती है। तो डेफिनेटली ये कहा जा सकता है कि किसी भी MIRV कैपेबल मिसाइल को भी ये इंटरसेप्ट करने में सक्षम होगा। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं कि इसकी रेंज के बारे में किसी तरह का कोई खुलासा DRDO की तरफ से नहीं किया गया है एंड शायद किया जाएगा भी नहीं। आगे सर की तरफ से बताया गया है कि ये जो फेज टू है BMD का, इसे 2025 तक ऑपरेशनल कर लिया जाएगा, यानी केवल 3 सालों का समय और लगने वाला है। उन्होंने बताया है कि सिस्टम को विकसित पूरी तरह से हो जाने के बाद इसे अलग अलग जगह पर डिप्लॉय किया जाएगा, यानी जहां पर भी हमें लगता है कि ये इलाकों पर सुरक्षा कवच की जरूरत है तो वहां पर इन्हें डिप्लॉय कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि पूरे BMD सिस्टम में काफी लंबी दूरी वाले ट्रैकिंग रडार सिस्टम्स लगे होंगे, जो कि सबमरीन से लॉन्च किसी मिसाइल या फिर सरफेस टू सरफेस मिसाइल या फिर किसी युद्धपोत से मिसाइल लॉन्च की गई हो, इन सभी तरह की मिसाइलों को वो इंटरसेप्ट करने में सक्षम होगा। और सबसे बड़ी बात कि जो दुश्मन की ICBM होगी, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये उस तरह की मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करने में पूरी तरह से सक्षम होगा। अल्टीमेटली भारत को ये बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच देता है। तो ये थी BMD संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि DRDO के प्रमुख ने खुद बताई है। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके